हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? मेरे चैनल लता मैजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरवा करेले बहुत ही आसान तरीके से। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे आपको और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। करेलों को हमने पहले धो लिया है और इसको पिलर से छील देंगे और बीच से हमने सबको चीर लेना है। सबके बीच से कट लगाएंगे। इसके अंदर के बीज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका बीज और गुदा ऐसे रहने देंगे। और अब हम कढ़ाई गरम कर लेंगे। इसमें हमने डालना है सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आप खाते हो। तेल हम नॉर्मल सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, जिससे हमारे करेले भी इसी में ही फ्राई हो जाएंगे। तेल गरम हो गया है तो अब हम करेलों को तेल में डाल देंगे। और करेलों में हमने कोई नमक वगैरह नहीं लगाया, इसकी कड़वाहट हटाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ चीरा लगाया है और तेल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इनको हमने अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरह से देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमने प्याज लिया है और प्याज को हमने रफली काट लेना है। साथ में हमने लहसुन, एक टमाटर और दो तीन हरी मिर्ची ली है। तो प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काट लें, क्योंकि हमने इसके अब पेस्ट ही बनाना है। और मिर्चों को भी मैं मोटा ही काटूंगी। और इस तरह से टमाटर भी हम सबको मैंने अलग अलग काट लिया है। करेलों के हिसाब से आप प्याज टमाटर ले लें। मैंने आधा किलो करेले के लिए तीन प्याज लिए हैं और एक टमाटर। टमाटर कम इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसमें अमचूर पाउडर भी डालना है, तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए एक टमाटर ही डाल रही हूँ। अब देखिए, करेले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम मसाला बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने करेले फ्राई कर लेने, ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। और इसी तेल में डालेंगे हम एक चम्मच के बराबर मोटी सौंफ। करेलों में सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हम सौंफ का ही तड़का लगाएंगे। साथ ही डालेंगे हम लहसुन जो हमने छिलके रखी हुई हैं। और अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने उतना ही पकाना है जितना बस इसका कच्चापन चला जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और जो हमने हरी मिर्चें भी काट के रखी हुई हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो प्याज को अब थोड़ी देर चलाते हुए भून लेते हैं। दोस्तों, ये सब्जी खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने में बहुत ही आसान है। अब जो हमने टमाटर भी काट के रखे हुए, वो भी इसमें मिला लेते हैं। और अब इनको हम थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। दो तीन मिनट बाद हम चेक करेंगे ढक्कन हटा के। अगर टमाटर गल गए हैं तो फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए, टमाटर प्याज हमारे सारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये गल चुके हैं अच्छे से। तो अब हम गैस बंद करके इनको ठंडा होने देंगे। फिर हमने इनको पीसना है मिक्सर जार में और इनका पेस्ट बनाना है। तो ये अब ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं जार में और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने पेस्ट बना के रख लिया है। और अब कढ़ाई रख ली है हमने गैस में। इसमें थोड़ा सा जो तेल बचा हुआ है प्याज भूनते समय जो बचा था, उसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये आधा चम्मच के बराबर डाला है और इसको थोड़ा सा हमने चला लेना है ताकि ये लगे ना। साथ ही हम पेस्ट को कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसको चलाते हुए भूनेंगे और फिर हम इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के बराबर हल्दी, एक चम्मच के बराबर धनिया पाउडर, साथ ही डालेंगे हम इसमें एक चम्मच के बराबर अमचूर पाउडर। और अब इसको चलाते हुए अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो मसाले को अच्छे से पकने देना है। जैसे ही हमारी ग्रेवी बन जाएगी, फिर हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी बन गई है, इसमें अब हम करेले डाल देते हैं। ये ग्रेवी आपको पतली ज़रूर लग रही है, लेकिन ये अभी सारी ऑब्जर्व हो जाएगी करेलों में। और ये पतली इसलिए रखिए ताकि ये सारे मसाले करेले के अंदर अच्छे से चले जाएं। अभी ये सारी ग्रेवी सूख जाएगी, हमें थोड़ी देर करेलों को ढक के पकाना है और गैस तेज फ्लेम पे रखनी है। थोड़ी देर पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि करेलों की क्या पोजीशन है। अब ये देखिए, आप जितना पानी था सारा सूख गया, जो आपको पतली ग्रेवी दिख रही थी वो देखिए कितने अच्छे मसाले के रूप में बन गई है। और करेले के अंदर भी अच्छे से मसाला चला गया है। तो ये कितने अच्छे करेले बनके तैयार हुए हैं। करेलों में अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से मसाले कोट हो गए हैं। और ये देखिए, देखने में भी ये कितने सुंदर हैं और खाने में भी ये उतने ही टेस्टी बने हैं।
बच्चे भी इनको खुश होके खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। और जैसे आप शादियों में करेले खाते हैं, तवा फ्राई करेले, उसी तरीके के ये खाने में लगते हैं। तो एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए ज़रूर कि कैसे बने थे ये। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।